घर के सामने देखिए चेरी ब्लॉसम का कितना खूबसूरत पेड़ है, और पूरे पेड़ में अभी ये फूल आए हुए हैं बचिंटा कलर में। बैंगलोर में ना हर जगह आपको भी चेरी ब्लॉसम दिखेंगे, येलो पिंक ऐसा वाला मजेंडा। सबसे सुंदर मुझे लगता है दिखने में येलो, अगर साथ में तीन चार ऐसे प्लांट हो ना पेड़ और येलो कलर का हो तो क्या खूबसूरत लगता है। पर चलिए लकीली हमारे भी घर के सामने है तो पूरा साल ये पेड़ जो है एकदम सूखा सा आपको दिखेगा, पर ये कुछ महीने हैं जब ये वाला आता है फूल और बहुत ही सुंदर लगता है। अभी हम लोग एक चीज सोच रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये पिघलने में तो लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 2 घंटे में ना ये टस से मस नहीं हो रहा है। तो हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर हम इसे ओवन के अंदर डाल दें तो क्या पता ये थोड़ा जल्दी जल्दी पिघल जाए। क्या बोलना चाहेंगे आप अंगद, इसमें काम करेगा? यस यस डेफिनेटली, है ना? तो इसको प्री हीट कर लेते हैं, एकदम कंटिन्यूअसली नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा अंदर गर्म कुछ देर के लिए, हाँ कि थोड़ा सा ये ना गर्म हो जाए और हल्का सा पिघल जाए, और फिर उसके बाद में ये चांस है कि 8 बजे रात तक, क्योंकि एटलीस्ट 8 बजे रात तक मैं चाहती हूँ पिघल जाए। इसको बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 10 बजे रात से ज्यादा मैं जाग भी नहीं पाती हूँ। तो अगर मुझे बनाना है तो लेट्स सी, 8 बजे तो बहुत, 8 बजे हो जाएगा, बोल रही हूँ उसके तो पहले हो जाएगा, देखते हैं। तो इसका कैसा केक जैसा लग रहा है, मलाई केक ट्राई करके देख लेते हैं। थोड़ा हीटेड एनवायरनमेंट में रहेगा तो हो जाएगा, हाँ आयो खराब ना हो फिर। खराब अब वो तो अब एक्सपेरिमेंट के बाद ही पता चलेगा, अगर खराब होगा तो बहुत अफसोस होगा क्योंकि काफी टाइम से हम ये जमा रहे हैं। तो मलाई पिघलने में टाइम लगना है, पर कैसे भी करके आज बना लूंगी, वीकेंड पे नहीं छोड़ूंगी वरना फिर वो आलस में रह ही जाता है, और वैसे भी मेरा घी खत्म हो रहा है तो मुझे बनाना ही है। खैर तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो शॉपिंग करी है अपनी प्रेगनेंसी के लिए ताकि मुझे कंफर्टेबल घर में कपड़े पहन सकूं और बाहर जाने के लिए भी। तो आपको पता ही होगा मैंने आपको दिखाया था कि जितने भी मेरे पास में पहले कुर्तियां वगैरह थी ना, उसमें से मैक्सिमम कुर्तियां या तो स्मॉल साइज की थी या तो मीडियम में थी। जो स्मॉल वाली थी वो तो मुझे फिट बिल्कुल ही नहीं आ रही थी, वो तो पहले से ही नहीं आ रही थी कुछ टाइम से, तो वो भी निकाला मैंने। और मीडियम में भी कुछ ऐसे थे ना जो टाइट हो रहे थे मुझे, कहीं हाथ में टाइट हो रहा है, कहीं पे यहाँ पे टाइट हो रहा है, तो वो भी मैंने सारे डोनेट कर दिए थे, वो मैंने आपको दिखाया था। तो बेसिकली मैंने अपना वार्डरोब पूरा ही लगभग क्लीन कर लिया था, मैंने फिर नए कपड़े लिए और ये सारे मैंने खुद लिए हैं, ऐसा कहीं से प्रमोशन के लिए नहीं आया, सब मैंने लिए हैं। और मैंने इसीलिए ना थोड़े सस्ते वाले लिए, क्योंकि अगर मुझे बहुत सारे लेने हैं तो ऑफकोर्स मुझे बजट भी देखना पड़ेगा। मैंने सारे ही अभी के लिए लार्ज में ले लिया है, ये कुर्ती जो पहनी है वो लिया है, देखिए कितना सुंदर है ना, एकदम से फ्री फ्री सा है, स्लीव्स यहाँ तक का है तो गर्मी नहीं लगती है, कॉटन का है। दूसरा मैंने लिया है एक ब्लू कलर में, ब्लू एंड व्हाइट में है, ये भी अगेन बहुत ही अच्छा है, लंबा सा है। फिर ये वाला है, ये वाला मैंने देखिए एक्सेल में मंगा लिया है, क्योंकि ना कुछ होते हैं जो आप लार्ज में मंगाओगे ना पर वो आपको टाइट लगते हैं, तो ये वाला मैंने एक्सेल मंगाया, लार्ज मंगाया तो मुझे लगा कि जल्दी टाइट हो जाएगा तो मैंने इसको एक्सेल में मंगा लिया। पर प्रिंट कितना सुंदर है वो देखिए, पर नेक्स्ट जो है बहुत ही सुंदर लगा था मुझे, बहुत ही प्यारा प्रिंट भी है और यहाँ पे ऐसे मोती का वर्क किया हुआ है और ऐसे पूरा व्हाइट में आएगा। ये आपने देखा भी होगा व्लॉग में पहने हुए, बहुत ही सुंदर लगा मुझे, ये पूरा फ्रॉक स्टाइल में है तो ये तो बाहर के लिए परफेक्ट है, घर में भी ठीक है, बाहर के लिए भी बहुत सुंदर लगता है दिखने में। आपको लग रहा होगा कि इतने सारे क्यों हैं, क्योंकि मैंने पूरा वार्डरोब ही रिफ्रेश कर गया, पहले वाले सारे ही मेरे टाइट टाइट ही है, समझ लीजिए पहन के फिट आ रहा है पर रिलैक्स नहीं लगता है। फिर ये वाला बहुत ही सुंदर लगा, ये वाला भी मोस्टली मैं बाहर ही पहनूंगी, एक आध बार आप कभी घर पे शायद देखो, पूरे में यहाँ पे सामने में बटन का वर्क है और कलर कितना प्यारा है, मैंने कलर की वजह से लिया, वर्क ऐसा लगता है देखने से धागा का वर्क है तो थोड़ा बहुत लखनऊ वाला फील आता है। उसके बाद एक ये तो देखा शायद आपने, मैंने पहना था अभी हाल फिलहाल, ये ग्रीन कलर में सिंपल, ये घर के लिए एकदम सिंपल सा फ्रिल्स वाला। उसके बाद एक ये बहुत ही प्यारा बिल्कुल समरी है, ये सारे मैंने कॉटन के लिए, हाँ और एक और है जो आपने मुझे इससे पहले वाले ब्लॉग में पहने हुए देखा होगा, ये मैंने 150 रुपए का सिर्फ लिया है, सोचिए ये स्लीवलेस में लिया, स्लीवलेस में वैसे ज्यादा पहनती नहीं हूँ पर अभी गर्मी है तो सोच रही हूँ कि कुछ स्लीवलेस भी पहनूं। तो एक ये वाला स्लीवलेस लिया और एक ये स्लीवलेस, ये भी बहुत सुंदर है, ये ऐसा वाला है, इसका कलर कितना प्यारा है ना, ये और इसके नीचे साथ में पजामा भी आया है, ये भी कुछ 250 रुपए का है सोचिए विथ पजामा, तो इतना अच्छा प्रिंट और इतना खूबसूरत सा डिजाइन,
प्लस कॉटन, और क्या चाहिए। तो हाँ, ये सारे इतने मैंने लिए हैं जो अब मैं व्लॉग में डेली पहन सकती हूँ, बाहर जाना हो तो भी पहन सकती हूँ। इस तरीके से मैंने वार्डरोब रिफ्रेश कर लिया आप बोल सकते हो। तो ये 2 महीना चल जाएगा, फिर अगेन साइज अगर बढ़ता है तो मुझे और लेना पड़ेगा। पर इनका फायदा क्या है ना कि डिलीवरी के बाद फिर ये मुझे फिट आ जाएंगे लार्ज वाले। मान लीजिए कुछ महीनों में नहीं भी आते हैं ना, पर आफ्टर डिलीवरी मुझे आ जाएंगे तो ये वेस्ट नहीं जाएंगे, मैं तब पहन लिया करूंगी। और हाँ, तो वो फायदा है। उसके बाद ना, मैंने अभी आपने देखा होगा एक ब्लॉग में मैंने ये शॉर्ट्स पहना था कॉटन का, तो मुझे एक आया भी था कमेंट कि आप इलास्टिक वाले मत पहनो। पर ये मैंने जो साइज है ना मेरे कमर का, उससे मैंने 3 साइज ऊपर का मंगवाया है, तो इसलिए ये बहुत ही ज्यादा मुझे लूज टाइप फिट आ रहा था। तो ये कमर पे बिल्कुल टाइट नहीं है, एकदम ही बहुत ही ढीला सा है, तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होती है, पहन सकते हैं जैसे नॉर्मल आप पजामा पहनते हो। तो मैंने ये 2 मंगाया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने 2 और मंगा लिया। ये है 300 रुपए का 2, तो 2 और मंगा लिया ताकि मैं कभी कभी टी शर्ट और शॉर्ट्स पहनूं, मुझे हमेशा नहीं अच्छा लगता है कि कुर्ती में ही रहूं। तो ये भी मैंने अगेन सेम मीशो से मंगाया। खैर, ये तो हो गया वो वाला जो डेली यूज वगैरह के लिए। उसके बाद मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज मंगवाई है। तो मेरा ना बहुत मन था कि मैं प्रेगनेंसी बेली प्रोग्रेशन के पिक्चर्स लूं। आपने नेट पे देखा होगा बहुत लोग करते हैं कि हर मंथ मतलब क्लिक करते जाते हैं पिक्चर कि उनका बेली कितना प्रोग्रेस कर रहा है, और एंड में सारा 9 मंथ का रहेगा तो पता चलता है कि कितना चेंजेस आया आपके अंदर। और लास्ट वाला जो पिक होता है 10th मंथ वाला, उसमें बेबी भी साथ में रहता है, तो मुझे वो बड़ा ही अच्छा लगता था लेना। मैं देखती थी लोगों को लेते हुए, मैं अंगद को बोलती भी थी कि मुझे भी ऐसा लेना है। तो उसके लिए मैंने ये गाउन लिया हुआ है, इस पे मैंने पिक्चर क्लिक भी कर लिए है। 8th वीक में कर लिया और 12th वीक में कर लिया, अभी नेक्स्ट 16 में, फिर 20, 24, 28, 32, 36 और 40, अगर फुल टर्म प्रेगनेंसी है तो 40 वीक तक लेने का प्लान है फिर बेबी के साथ। तो इसका फायदा क्या है ना, ये स्ट्रेचेबल है, ऐसा नहीं है कि आपको भी फिट आ रहा है फिर नहीं आएगा। आप जितना भी आपका बेली ग्रो करेगा ना, ये स्ट्रेच होता जाएगा। ये वैसा वाला मटेरियल है, ये मैंने मिंत्रा से लिया था और बहुत ही सुंदर सा कलर भी मुझे लगा। नीचे अगर आप देखोगे तो ये ऐसा आता है। तो 2 पिक्चर मैंने इसमें ले लिए हैं, अभी आगे आता जाएगा और ये उस तरह से स्ट्रेच होता जाएगा। फिर फाइनल जब ये पूरा पिक्चर्स बन जाएगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी हर मंथ का, और हमारे लिए भी एक मेमोरी रहेगा। तो ये मैंने पहले ही शॉप कर लिया था, तो ये हो गए। अब मैंने आपको याद है पिछले ब्लॉग में बोला था, आज एकदम कपड़ों का भंडार लग गया है मेरे ब्लॉग में। मैंने पिछली बार बोला था कि अंगद मुझे गिफ्ट देगा हर उस तारीख के आसपास, जब मैंने उसको ये न्यूज रिवील की थी। ये अंगद का आइडिया नहीं है, आप समझ ही चुके होंगे, हर वाइफ समझ चुकी होगी, कोई भी हस्बैंड इतना अच्छा रोमांटिक थॉट नहीं ला सकता। उस दिन तो बड़ा वीडियो में बोल रहा था कि मैंने प्रॉमिस किया ना मैं गिफ्ट दूंगा, प्रॉमिस किया नहीं है, मैंने उसके गले पे चढ़ के प्रॉमिस लिलवाया है। आपको पता ही है अंगद इज नॉट दैट ग्रेट इन गिफ्टिंग, उसको समझ ही नहीं आती, और मुझे तो बहुत शौक है तो मैं तो मांग लेती हूँ। तो जब मैंने उसको गिफ्ट दिया, उसने कुछ, उसके पास तो कुछ था नहीं देने को, उसको पता भी नहीं था बेचारे को कि देना है, प्रिपेयर भी नहीं था वो। तो मैंने उसको बोला तुम तो कुछ गिफ्ट नहीं दे रहे हो, तो तुम एक काम करो, हर महीना अभी से लेकर डिलीवरी तक तुम इसी डेट को मुझे कुछ गिफ्ट दे दो। तो उससे वो कन्विंस हो गया कि हाँ ये अच्छा आइडिया है, तो अब वो कन्विंस्ड है। तो उसने पहला वाला दिया फेब में, नियर टू वो वैलेंटाइंस डे। उसके बाद भी मार्च का महीना आया, तो मार्च में भी उसने क्या दिया, तो क्या गिफ्ट देना है वो उसके ऊपर है, ऑफकोर्स गिफ्ट उसी को तो कहते हैं, उसमें थोड़ा ना तांगड़ा सकते हैं। हाँ, तो उसने मुझे कुछ कपड़े गिफ्ट किए हैं जिसको लगा कि बाहर जाने के लिए वो काम आएंगे। एंड आई एम सो सरप्राइज कि अंगद इतने अच्छे वाले कपड़े चूज कर पाया। मतलब मैं तो आप देख रहे हो ना, एकदम जो होता है अपना घरेलू लड़कियां जो सस्ते में कुर्तियां खरीदती हैं कि भैया काम भी चल जाए और देखने में भी ठीक लगे, पर अंगद ने बहुत दिमाग लगाया और अच्छे अच्छे कपड़े दिए मुझे। मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने मुझे 3 कपड़े 4 दिए थे एक्चुअली, एक रिटर्न करना पड़ा, बहुत ही अच्छा नहीं लगा था, बहुत ही मतलब फिटिंग इश्यूज थे उसमें। तो उसने एक ये दिया है, ये एक्चुअली ड्रेस है अगेन जो यहाँ जैसे कट है और लार्ज साइज में है, तो मेरे को फिट भी आ रहा है और बहुत ही सुंदर सा है। तो मुझे लगता है ये अब इतना चौड़ा है ना कि आराम से 3-4 महीने तो आ जाएगा। तो उसने बोला ये पहन के तुमको कहीं अगर बाहर रेस्टोरेंट जा रहे हो, हम कहीं घूमने जा रहे हो तो तुम ऐसा कुछ पहनो। तो उसने मुझे सारे मॉडर्न वाले दिए, मैंने तो अपने घरेलू वाले लिए। तो एक ये दिया पिंक में, दूसरा जो उसने दिया बहुत ही ज्यादा मुझे अच्छा लगा मटेरियल। ऊपर ये ऐसा कुर्ती है, कुर्ती नहीं है शर्ट, मतलब हाँ शर्ट टी शर्ट कह लो आप, और नीचे सेम पजामा है। तो वैसे तो ये है नाइटवेयर टाइप का, पर आजकल लोग ये पहन के बाहर भी जाते हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि मैं पहन के बाहर जाऊंगी या घर में पहनूंगी, पर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अब ब्रांड का नाम है देखिए अथीना, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अथीना नाम का ब्रांड है, आप सर्च कर सकते हो, तो वहां पे प्रेगनेंसी वाले कपड़े मिलते हैं। तो ये वाला उसने दिया, कलर भी प्यारा है और सुंदर है। और तीसरा जो था वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, अभी देखिए टैग्स भी निकाले नहीं हुए, पहना ही है।
थोड़ा सा दूर करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही थिक मटेरियल का सिर्फ ऐसा ड्रेस है एक्चुअली। यहाँ पे ऐसे स्लीव्स आते हैं और ये पूरा ड्रेस है। तो आपको ऐसे लग रहा होगा कि पता नहीं ये कैसा दिखेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ना थिक मटेरियल का है, पर एक्चुअली पहनने के बाद में अगर आप इसको पहनो शूज के साथ में तो ये बहुत स्मार्ट लग रहा था। मैंने भी जब ये खोला ना तो मुझे लगा था उतना अच्छा नहीं लगेगा, पर एक्चुअली पहनने के बाद में ये बहुत ही क्यूट लगता है, डंगरी स्टाइल का लगता है। फिलहाल के लिए अभी हमने प्रेगनेंसी में ये सब कपड़े लिए हैं, जो गिफ्ट मिला है वो भी अच्छा है, पर मैंने जो लिया है वो तो एकदम ही किफायती और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारे कलर्स भी मैंने अलग अलग लिए ताकि पहनने का मन करे। काफी हद तक हो गया है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी इसको चर्न करना है बेसिकली, तो इस वाले में डाल देंगे और उसके बाद में इलेक्ट्रिक बीटर लेकर के इसको पूरा चर्न कर देना है। क्या करके दिया है इसने, पूरा ही तोड़ दिया। वेरी बैड, ये तो ऐसे नहीं करते थे यार ये लोग। ओहो पूरा शेप खराब हो गया। तुम टूटा हुआ खाना चाहोगे कि फूल वाला? टूटा हुआ मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बाद में नहीं बोला, मैंने पूछा नहीं है। मैं ये खा रही हूँ तो फिर फूल। इसका मजा है ना तोड़ तोड़ के खाने में, इतनी हुआ में कोई मजा नहीं है। टूटा हुआ में मजा नहीं तो खाना है भैया। अरे मुझे इतनी भूख लगी थी और फ्राइडे है, और मैं अंगद तो कह रही थी कि कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो कुछ तो खाए, तो रवा इडली इज अ गुड ऑप्शन, पेट भी भरेगा हेल्दी भी है। तो मैंने कहा चलो यही मंगवा लेते हैं, फ्राइडे जैसा कुछ तो फील आए। पाओ के लिए एक ये मंगाया था इविल आई वाला, तो पहले ना मैं ये वाला पहन रही थी, ये भी ब्लैक में ही था, पर ये ना थोड़ा हैवी है। इसमें जो ये आप सारा वर्क देख रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा हैवी है, पकड़ने पे पता चलता है, तो इसको मैंने हटा दिया और ये वाला डाल लिया। ये आप चाहो तो हाथों में भी पहन सकते हो, पैरों में भी, ऐसा दोनों लिखा हुआ था, तो मुझे पैरों के लिए ज्यादा अच्छा साइज लग रहा है, हाथों के लिए थोड़ा ढीला पड़ रहा था, तो ये अच्छा लगता है, तो ये मैंने डाल लिया है। तो अभी हम लोग आ गए हैं वॉकिंग, वॉकिंग करके इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, अचानक से लगा जैसे कि बारिश आई, तो हवा चलने लगी बहुत अच्छी सी, तो बहुत मजा आया। पर वॉकिंग करने गए और फिर हमें बात भी करना था फोन पे किसी से, उनसे बात बात करी तो हो गया। अभी अब से मैं लगने वाली हूँ, टाइम मैं आपको बता दूं 7:30 हो रहे हैं, 7:30 से मैं लगने वाली हूँ घी बनाने का प्रोसेस में। मुझे बच जाएगा 9, आराम से 9 बच जाएगा, 9 तक मेरा घी रेडी हो जाएगा। तो आज हम लोग एकदम फ्रेश फ्रेश घी, जिस दिन आप फ्रेश बनाओ ना उस दिन मजा ही कुछ और आता है चपाती में लगाने का। अब ये ऐसा मिल्क जैसा हो गया है ना, अब इसको कम आंच पे हमें पकाते रहना है, मतलब 1-1.5 घंटा या उससे भी ज्यादा लगेगा, ये पकता रहेगा। बीच बीच में आके बस चला देना है। अभी तो फिर भी ठीक है, आप बंद कर सकते, मतलब कम करके बैठ सकते हो, बाद में तो इसको कंटिन्यूअस बहुत चलाना पड़ता है वरना जलने लगता है। पिछले व्लॉग में मैंने आपसे जिक्र किया कि ये एल्यूमिनियम में क्यों बन रहा है खाना, जबकि पूरा मेरे पास में स्टील भी है, कास्ट आयरन भी, पर मैं बताना ही रीजन भूल गई, सब कुछ बताया वो बताना भूल गई, तो वो बताती हूँ। तो जो पहला वाला कुक आया था उसका भी सेम प्रॉब्लम था और इसका भी, इनका भी सेम प्रॉब्लम है, वो लोगों को कास्ट आयरन में खाना नहीं बनाना है क्योंकि उन्होंने कभी बनाया नहीं है। तो ऑफकोर्स कास्ट आयरन जो होता है ना उसकी तासीर गर्म होती है, वो जल्दी जल्दी गर्म होता है, उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट कुकिंग भी करना रहता है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते कि पक रहा है, आपको चलाते रहना पड़ेगा, तो वो सब जो है वो लोग नहीं लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट वाला आया था उसको भी मैंने दिखाया था कि ये है इसे बनाना है, तो उसका भी मुंह बन गया था कि और कुछ बर्तन नहीं है एल्यूमिनियम का, तो वो था। और इनका भी सेम था, इनको भी दिखाया, इनका भी था कि इसमें नहीं दीदी एल्यूमिनियम का कढ़ाई नहीं है या फिर नॉनस्टिक, तो नॉनस्टिक तो मेरे पास में है ही नहीं, तो मैंने एल्यूमिनियम दे दिया। अब मुझे कमेंट आया था कि आप जो मेयर का ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील आता है उसमें क्यों नहीं बनवा रहे हो, वो अच्छा होता है। तो देखिए मेरे पास ऑलरेडी है मेयर का ही ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील, ये और इसका एक पैन मैंने लिया था दिवाली के टाइम पे 2 साल पहले, तो इसमें मैंने उनसे ट्राई नहीं करवाया, मैंने उनको एक और मेरे पास में स्टील का पड़ा हुआ है, शायद इंडस वैली का ही पड़ा हुआ था, वो भी दिखाया था, तो उसमें उन्होंने बोला कि इसमें तो बहुत जलता है खाना, उनको पता रहता है कि स्टील का जो परत है वो पतला रहता है, तो फिर दीदी इसमें तेल ज्यादा डालेंगे, आप बोले हैं कम डालो, तो वो सब लगा, तो हमने कहा चलो भाई इसी में बनाओ, इस बने में तेल कम डालो और इसमें बना लो।
इसमें ये मैंने उनको नहीं दिखाया था कि एक और है मेरे पास और ये थोड़ा सा मोटा भी है एक्चुअली। तो मैं एक काम करने का सोच रही हूँ कि कल अगर मैं कुछ बनवाती हूँ तो मैं इसमें ट्राई करती हूँ, अगर वो कम ऑयल में जैसे मतलब बनाते हैं इसमें बनाना कम्फर्टेबल है तो मैं ये दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर नहीं है और वो दिखाने के तेल बहुत डालने लगी तो ऑफकोर्स हम लोग एल्यूमिनियम में ही जाएंगे, तेल उतना नहीं खाना पसंद करते। पर एल्यूमिनियम में ये है कि अगर आप कुकिंग कर लो फटाफट, उसके बाद आप मुझे कमेंट्स पे आते कि अगर आप उसको किसी और में सर्व कर लो, जैसे हम कास्ट आयरन में करते थे कि फटाफट बनाया और उसमें छोड़ते नहीं है कोई भी चीज खाना, क्योंकि टमाटर रहता है नींबू रहता है तो उसको सर्व में कहीं मतलब डाल लेते हैं डिश में, सर्विंग डिश में। तो वैसा ही इसमें भी मैं कर लिया करूंगी, फटाफट निकाल के स्टोर कर लूंगी, तो आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और जो भी होगा 6 महीना फटाफट बस निकल जाए, बाद में तो देखा जाएगा। अभी कुक जिसमें कंफर्टेबल है, खाना खाने लायक ढंग का बिना ज्यादा तेल मसाला का बना पा रही है ना, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत तेल डालना स्टार्ट करेगी तो वो खाना हम लोग डेली बेसिस पे नहीं खा पाएंगे, तो ये रीजन है। पर हाँ, ये वाला मैं ट्राई करती हूँ, इसका मुझे चमका नहीं था कि ट्राई प्लाई में भी ट्राई करते हैं। लेट्स सी, कल मैं उनको बताती हूँ कि इसमें बना के आप देखो तो सही, बन जाएगा हो जाए तो हो जाए, बाकी कुकर तो स्टील का ही है, सिर्फ एक कढ़ाई की ही इशू आ रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। और ये डिशवॉशर सेफ है अंगद जी, डिशवॉशर सेफ है ना मेयर वाला, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं। हाँ तो ये डिशवॉशर में भी चला जाएगा। देर वाला तो निकल गया। एक और है ना, ये इसमें पानी डालना पड़ेगा, और ये वाला भी निकल गया। अरे पता है जो पहले ना हमारा बैल्कनी इतना नहीं था अच्छा पेंट किया हुआ, इसमें गमले से निकलता था ना रेड रेड पूरा मिट्टी का, तब तक कबूतरों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब से हमने पेंट कराया साफ सुथरा करवाया आके पॉटी करते हैं, एकदम क्लीन वाले में आके पॉटी करते हैं, यहाँ करते हैं वहां करते हैं, वो देखिए वो दाग पकड़ लिया है, यहाँ करते हैं ये दाग फिर जाएगा नहीं, इधर देखो इधर कोने में आके करते हैं। हाँ। क्या बोलूं, इतना खराब लगता है ना कि तो साफ सुथरा हमने करवा रखा है और गंदा कर रहे हैं। यहाँ पे मैं केटल रखती थी वो वाला पानी देने वाला, वो मैंने हटा दिया, उसके अंदर कर रहे थे पॉटी, वहां पे घुस के अजीब अजीब जगह ढूंढ लेते हैं। कबूतर का जो आतंक है ना सोसाइटीज में हर जगह। हवा देखिए, आहा, जो हवा चल रही है ना यहाँ पे आके, मैं बैठी हूँ तब से यहाँ बैठी हूँ और एक तरफ यहाँ पे घी बना रही हूँ जिसकी खुशबू अब घर में धीरे धीरे आने लगी है। ये थोड़ा सा ना टायरिंग प्रोसेस होता है, आपको आके इसको चलाते रहना है चलाते रहना। अब देखो अब घी निकलना स्टार्ट होगा, पर अभी बहुत टाइम लगना है, अभी ये पूरा घी निकलेगा ये सब काला पड़ेगा, तब तक इसको चलाते रहना है और इसको मलमल के कपड़े में छान देना है। सही, एकदम गर्मी वाला मौसम का जो मजा है ना बालकनी में बैठने का, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। हमने ये बेडरूम का खिड़की खोल दिया और यहाँ पे खोल दिया, पूरा क्रॉस वेंटिलेशन से पूरा घर भी बहुत ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है। हमने ये वाली लाइट ऑफ कर दिया है क्योंकि कीड़े आ सकते हैं, और आज पता नहीं क्या हो गया, ये स्ट्रीट लाइट तो ऑन है, इधर भी एक स्ट्रीट लाइट था वो हो गया है फ्यूज, तो और थोड़ा अंधेरा अंधेरा अच्छा ही हो गया है, पर इतनी हवा में मच्छर भी नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि अंगद को बहुत जल्दी मच्छर काटने लग जाता है, तो इसीलिए मच्छर का प्रकोप अगर है तो आपको अंदर बैठना है। यार इस ऐसे में ना, जब भी मैं बाहर बैठती हूँ समर में तो मुझे मन करता है कि आम हो और यहाँ नीचे चटाई बिछाए, चटाई बिछा के आम, ठंडा ठंडा आम खाओ एकदम। पता नहीं, मुझे नहीं लगता इस बार लेकिन मैं आम खा पाऊंगी, आम गर्मी करता है ना, खा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, खा सकते खाने का दिन का एक ऐसे कुछ करके खा सकते, या अगर तुम तो टाइम होता है तो गिल्ट फ्री कुछ भी खाओ कोई दिक्कत नहीं, या अगर तुम कच्चे आम ले आओ ना। हाँ। और हम घर में पकाए तो उसमें 100% श्योर है क्योंकि कार्बाइड होगा, इसीलिए खा नहीं सकते, तो मिल जाएगा तुमको रो आम मिल जाएंगे, है ना, घर पे पका लो। अब ये घी ऑलमोस्ट डन है, थोड़ा सा और ये काला हो जाए, थोड़ा सा जैसा ये काला काला है ना, तो मतलब और 10-15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा करके मैं छान लूंगी, पर अभी और टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। और इसको मैं अभी यहाँ पे ये कपड़ा मैंने रख लिया है, इसमें हम लोग डाल देंगे तो नीचे सारा घी आ जाएगा, फिर जो ये बचा हुआ रहेगा इसको पोटली बना देंगे, थोड़ा बहुत और ड्रिप होगा। तो घी बन करके तैयार हो गया है, काफी ज्यादा अच्छे क्वांटिटी में निकला है, अभी इसमें और है तो इसमें क्या करेंगे, ये क्लिप लगा दूंगी ऐसे करके, तो वो धीरे धीरे उसमें से निकलता रहेगा, कोई और बर्तन में ऑफ कोर्स स्क्वीज होके निकल जाए, इतना अच्छा। हाँ। अब तुम इधर क्लिप मार दो। हाँ। बंद हो पाएगा। अब मैं देती हूँ एक कटोरी।